हेलो हेलो जी, नाम बताएं और समस्या पूछें। सर, मेरा नाम सूरज है, मेरा सूरज, एज 22 साल है। हाँ जी सर। बाईस सर साल मैं मास्टर। हाँ जी सर। कहाँ सर सूरज, मास्टर कहाँ से बात पोजीशन कर से रहे है। हैं? सर मैं बलिया से बात कर रहा हूँ बलिया से। बताएं सूरज। सर। मास्टरबेशन करने से लिंग बहुत छोटा हो गया है, वाइफ को सेक्स अच्छा नहीं लगता है सर। मास्टरबेशन करने से लिंग छोटा हो गया है और वाइफ को सेक्स अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक बार दोनों बातों को अलग अलग समझेंगे। आपकी सूरज जी, हाँ जी पहली बात, सर। मास्टरबेशन करने से लिंग छोटा हो गया, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? सर आपके पीछे आवाज़ से डिस्टरबेंस ही आ रही है सूरज जी, थोड़ा हाँ जी ठीक। सर। हेलो हाँ अभी बोलिए। हाँ जी सर। मेरा वीनस साइज छोटा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 22 मतलब 13-14 साल की एज में मुझे लग रहा है कि मैंने मास्टरबेशन स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे जी लग रहा है कि कुछ साइज वगैरह का मुझे लग रहा है छोटा हो गया है आपको ऐसा वीनस। लग रहा है कि साइज छोटा हो गया है? हाँ क्या आपको भी कुछ ऐसे इरेक्शन की समस्या भी हो रही है आजकल? सर, थोड़ी बहुत ऐसे मतलब हर बार मॉर्निंग इरेक्शन तो मतलब हर बार नहीं होता है, तो मुझे हाँ लग रहा है कि शायद इरेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है थोड़ी बहुत। नहीं, लेकिन जब आप सेक्स करते हैं उस समय पे, जैसे आपने बताया कि शादीशुदा सेक्स करते हैं, तो पत्नी के साथ जब सेक्स होता है तो उसमें कुछ इरेक्शन की समस्या आती है? सर इरेक्शन तो प्रॉपर आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि मतलब इरेक्शन खत्म हो गया है, तो लगता है आप अंदर इंसर्ट कर पाते हैं कि उसके पहले इरेक्शन खत्म हो जाता है? सर इंसर्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि ऐसे कभी कभी दिक्कत आ रही है। तो सेक्स पूरा नहीं हो पाता, पहले इरेक्शन खत्म हो जाता है हाँ जी सर। और उस समय आपको लिंग छोटा लगता है। हाँ जी सर। अच्छा, नहीं देखिए सूरज जी, ऐसा नहीं है कि मास्टरबेशन करने से लिंग छोटा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे 14 साल की उम्र में किया हो, चाहे 12 साल में किया हो, चाहे 16 में किया हो, मास्टरबेशन का लिंग के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? जी सर। अब होता क्या है कि जो आपका पीनिस का साइज है, स्पेशली जो इरेक्ट पीनिस है, तनाव आने के बाद जो साइज है, वो ज्यादा बड़ा तब दिखता है जब इरेक्शन ठीक से आया हो। कई बार क्या होता है, जी कुछ लोगों सर। में इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता और उसकी वजह से लिंग का जो साइज है वो पूरा नहीं लगता। लोगों को लगता है साइज छोटा हो गया, बट वो इरेक्शन की समस्या होती है, ठीक है? तो जैसा आप बता भी रहे हैं कि सेक्स के दौरान इरेक्शन खत्म हो जाता है, तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है शायद आपको इरेक्शन की समस्या हो रही होगी। अच्छा ये बताइए, आपने कहा रोज सुबह इरेक्शन नहीं होता, बट कभी कभार आपको इरेक्शन मिलता है? कभी कभार मॉर्निंग में इरेक्शन मिलता है। ठीक है, आप पे कुछ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ऐसी कोई समस्या? सर ऐसी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह कभी कभार मतलब बढ़ जाता है ऐसे लगता है। कभी कभार, मतलब ऐसे कोई डायग्नोज नहीं हो रखा है आपने कभी? ब्लड टेस्ट मतलब बीपी नपवाया लगातार अपना? नहीं लगातार नहीं, कभी कभार चेक करवा लेते हैं सर, तो मतलब ऐसे देखने में कभी कभी मिलता है कि हाँ कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अच्छा, तो फिर एक बार उसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, रेगुलरली मॉनिटर करके कि बीपी की समस्या तो नहीं है, क्योंकि बीपी की, शुगर शुगर की इन समस्याओं का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके इरेक्शन के ऊपर। कुछ जी सर। कुछ स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, कोई नशा ऐसा कुछ है? सर ऐसा तो कुछ है नहीं, नशा तो नहीं करते कोई। कुछ भी नशा नहीं करते हैं, ठीक नहीं है। और ये सर। दिक्कत आपने क्या बताया, कितने समय से चल रही है आपको? सर ये ऑलमोस्ट मुझे 2-3 साल से ऐसा लग रहा है मुझे, 2-3 साल से। सूरज जी फिर एक काम करते मतलब हैं, हमेशा हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते, सेक्स वगैरह तो अच्छा हमेशा आदमी नहीं करता है, लेकिन कभी कभार जैसे अगर करने पे मतलब समझ में आता है कि हाँ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो दो चीजें करते हैं। पहली बात यह कि कुछ आपके ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, आपका बीपी जी मॉनिटरिंग कर सर। लीजिए, एक बार देख लेते हैं कुछ फिजिकली दिक्कत तो नहीं है, और सेकेंडली फिर कुछ मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे कुछ दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके इरेक्शन जी की सर। समस्या को हम लोग कुछ समय तक सपोर्ट करके दवाइयों के उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो बात आपके मन में ना कि मास्टरबेशन की वजह से हुआ है लिंग छोटा, इसको निकाल दीजिएगा, उसको बेकार में मत सोचिए, वो आपको बेकार में और टेंशन दे रही होगी वाली बात। जी मास्टरबेशन से सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है? ओके सर। चलिए मैं अब आपको जो हमारे टीम के डॉक्टर हैं उनसे बात करवा देंगे, और डिपेंडिंग अपॉन क्या रिजल्ट आते हैं उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं आप मुझसे सूरज? सर नहीं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।